Hi all, this is Ashutosh here, and I am back with the new chapter in our candlestick section, and that is we are going to start the single candlestick pattern. हमने पिछले दो पार्ट्स में ये कवर किया कि कैंडलस्टिक होता क्या है, और अगर हम कैंडलस्टिक को प्रॉपरली रीड करने की कोशिश करें तो दैट गिव्स अस अ फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. तो कॉन्सेप्चुअली वी अंडरस्टैंड दैट कैंडलस्टिक हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले. अब हम सब्जेक्ट में और अंदर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स हैं तो फ्यू ऑफ द कैंडल वुड बी प्लेइंग मोर इम्पोर्टेंट रोल देन अदर्स, और अगर ऐसा है तो विच आर दोज कैंडल्स विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज. सो अभी हमारा जो फोकस है वह सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात है कि हम एक कैंडल को देखेंगे, ऐसे कैंडल्स जो अकेले हैं और वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. सो द फर्स्ट कैंडल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज मारू बोजू. मारू बोजू इज द फर्स्ट कैंडल दैट वी आर गोइंग टू कवर. बिफोर वी गेट फर्दर, लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल. अ सिंगल कैंडलस्टिक इस पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय जस्ट वन कैंडल. एक कैंडल ही एक पैटर्न बनाता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट कैंडल्स कुड लीड अस टू सक्सेसफुल ट्रेड्स. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द लेंथ ऑफ द कैंडल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बड़ी कैंडल है तो वह ज्यादा स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है, और अगर हमारी कैंडल छोटी है साइज में तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट मच ऑफ एन स्ट्रेंथ. लॉन्गर कैंडल शोज मोर इंटेंसिटी देन द स्मॉलर कैंडल्स, एंड प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन शॉर्ट कैंडल्स. अगर छोटे छोटे से कैंडल्स एक सीक्वेंस में देख रहे हैं आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अवॉइड टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन दोज स्मॉल कैंडल्स. तो जो पहला कैंडल है अपना वो है मारू बोजू, एंड मारू बोजू मीन्स बैल्ड इन जापनीज. जापनीज कैंडल स्टिक्स हैं तो इनका जो नॉमन क्लेचर भी है वह जापान से ही रिलेटेड है. सो मारू बोजू मीन्स बैल्ड इन जापनीज, एंड इट हैज नो अपर और लोअर शेडो और विक. इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है रियल एनवायरमेंट में मैं जो आपसे बात करूंगा. अब जैसे ये जो कैंडल है इट इज अ बुलिश मारू बोजू. प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहां से बढ़ता गया, बाइंग एक्टिविटी स्ट्रांग थी, सारे बायर्स मार्केट में उसे हर पॉइंट पे बाई करते गए, और वह क्लोज हुआ यहाँ पे एकदम हाईएस्ट पे. सो इट्स हाई इज इक्वल टू क्लोज, इट्स ओपन इज इक्वल टू लो. लो से खुला और वो एकदम हाई पे चला गया, एंड इट इज अ बेयरिश मारू बोजू. यहाँ हाई पे ओपन हुआ, सेलिंग एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग थी, सेलर्स इसे नीचे लेते गए हर एक पॉइंट पे, और फिर ये क्लोज हुआ अपने लोवेस्ट पे. सो इट रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ इंटेंसिटी. अब मैं जिस स्मॉल वेरिएशन की बात कर रहा था इसमें, वह इस तरीके की हो सकती हैं, छोटे छोटे से ये वेरिएशन. जैसे मान लीजिए बॉडी ऑफ द कैंडल इतना बड़ा है और ये एक छोटा सा, एकदम छोटा सा रिलेटिवली विक हो ऊपर की तरफ, या यहाँ पे बॉडी बहुत छोटी बड़ी सी एक छोटा सा विक हो, या इवन दैट कुड हैपन इज बॉडी बहुत बड़ी सी हो और एक छोटा सा विक यहाँ पे हो. सो इन कंपैरिजन टू द बॉडी ऑफ द कैंडल एक बहुत छोटे से विक का प्रेजेंस रिप्रेजेंट्स सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन, लेकिन जो मैसेज विच वी गेट आउट ऑफ दैट कैंडल इज स्ट्रेंथ. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर. लेट मी टेक यू टू द चार्ट एंड देन सी, ट्राई टू लोकेट सम मारुहोजो. सो ये अपना इंफोसिस के चार्ट्स हैं का चार्ट है डेली पैटर्न, एंड लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट कि इन कैंडल्स में जैसे अगर हम इस जोन को एनालाइज करें तो इज देयर एनी मारुबोजू. मारुबोजू कैंडल है कहीं? ये नहीं है, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट. ये एक छोटा सा वेरिएंट हो सकता है उसका, इसका विक जो है वो हल्का सा बड़ा है विच इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. ये एक हो सकता है, इसके विक एक्सट्रीम छोटे छोटे से हैं. आप देखेंगे इसके जो विक हैं शेडो जो है ये एक्सट्रीमली नेग्लिजेबल है. प्राइस यहाँ से ओपन हुआ हल्का सा नीचे आया, एक्सट्रीम ओपन जहां पे ये क्लोज हुआ है वहीं पे वो उसका हाईएस्ट था. दिस कुड बी वन ऑफ द मारुबोजू.
फिर आप इसे कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बहुत ही छोटा सा इसका ऊपर का विक है। तो ये जहां पे रिप्रेजेंट होते हैं ना, ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बेरिश मारुबोजु दिख रहा है, जैसे ये हो सकता है एकदम छोटा सा है इसका कैंगर रिलेटिवली बॉडी कंपैरिजन में, और ये बेरिशनेस की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। ये कैंडल हो सकता है बट बहुत छोटा सा विक है इसका, ये बुलिशनेस की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। सो मारुबोजु इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ। जहां पे ओपन हुआ वो उसका लोवेस्ट था, जहां पे क्लोज हुआ वो उसका हाईएस्ट था। एंड इन आर सीरीज ऑफ कैंडल, द फर्स्ट कैंडल दैट वी गॉट फेमिलियर विद इज मारुबोजु। आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर और द नेक्स्ट कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक प्रेटी क्विकली। सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।